अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करें, जो आजकल फैली हुई है फिर से नई बीमारी। अल्लाह हर लोग को वो बीमारी से महफूज रखें, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में तंदूरी चिकन की रेसिपी लेके आए हैं। उसके लिए मैं चिकन के बड़े पीसेस करा ली थी। मैं देख सकते हैं ये चिकन, देखिए साबित है ये पूरा चिकन। अंदर से पूरा ये ऐसा साफ़ कर ली मैं। ऐसा चिकन के दो पीसेस ले लिए। आप अपने चॉइस है, आप जितने चाहे उतने पीसेस करा सकते हैं। तंदूरी मसाला, ये तंदूरी चिकन मसाला ये करीब की शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको। तकरीबन 2 टीस्पून है ये। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है ये। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है। 1 टीस्पून नमक का पाउडर है। 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। 1/2 टीस्पून बुश कलर है ये। 1/2 नींबू है। 1 कप दही है ये। दही को पूरा पानी निकाल ली थी मैं, खाली दही है ये। और ये गरम मसाला है, ये पूरा ये गरम मसाला है मिक्स। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले अपन मैग्नेट करेंगे इसको, मैग्नेशन करेंगे इसको। अच्छी तरह से ऐसे कट्टा लगा लेंगे अपन पूरे चारों तरफ से, ताकि अपना पूरा ये मसाला जो भी लगाएंगे अपन इसमें अच्छी तरह से जब्स हुए वैसा मैग्नेशन करते हुए। देखिए पूरे अच्छी ऐसी ही पूरे कट्स लगा लेंगे। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से दोनों चिकन के पीसेस को मैं कट्स लगा ली। ऐसी ही चाहिए अपने को। 1/2 नींबू ऐड कर देंगे इसको पहले। ये फर्स्ट मैग्नेशन है अपना ये। 1/2 नींबू ऐड कर देंगे पूरा इसमें अच्छी तरह से। नमक है ये 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट अपन तकरीबन 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको मैग्नेशन करके। चलिए फर्स्ट मैग्नेशन हो गया अपना कंप्लीट। अच्छी तरह से अदरक लहसुन, नींबू का रस और नमक लगा के रख ली मैं तकरीबन 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। उसका सेकेंड मैग्नेशन बताऊंगी फिर मैं आपको। चलिए ये 1/2 घंटा हो चुका है, इसको साइड में रख लेंगे अपन। नेक्स्ट एक अभी एक बॉल ले ली मैं, इसमें पहले अपन दही ऐड कर देंगे 1 कप। लाल मिर्च का पाउडर है, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। तंदूरी मसाला है 1 टीस्पून। फूड कलर है ये, बुश कलर भी बोल सकते हैं। गरम मसाला है ये। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब एक एक करके अपन ये चिकन के पीसेस को इसमें ऐड करेंगे। अपन चिकन को ऑलरेडी पूरा मसाला लगा के रखे थे, नमक और नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखे थे अपन। अब ऐसे ही पूरा मसाला ऐड कर लेंगे इसमें। ये भी चिकन के पीस को ले लेंगे अपन, इसको भी अच्छी तरह से पूरा मसाला लगा देंगे। पूरे इसके कटों में लगाएंगे पूरा मसाला। अच्छा चटपटा अपने तंदूरी चिकन बन के रेडी होता, बाजार जैसा घर पे ही बना के रेडी कर सकते हैं आप तंदूरी चिकन को। पूरा मसाला अच्छा मिक्स करना है इसमें। आप चाहे तो आग पे भी बना सकते हैं। मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी इसको तंदूरी चिकन को। एक आग पे बना के बताऊंगी आपको, एक फ्राई पैन में बना के बताऊंगी आपको। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे अपन। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के करीब करीब हो गया अपन इसको मैग्नेशन करके। अब इसको फ्राई करेंगे अपन।
चलिए फ्राई पैन रख ली, गैस ऑन कर ली मैं और तेल डाल दी। तकरीबन 4 से 5 टी स्पून ऑयल है इसमें। ये अच्छी तरह से गरम कर लेंगे अपन। चलिए अच्छी तरह से गरम हो चुका है, अब इसमें ये चिकन रख देंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें। नेक्स्ट अपन एक जाली रख ली मैं, चूल्हा ऑन कर दी मैं, इससे अपन ये लेग पीस रखेंगे अपन। ऐसा तंदूरी चिकन ऐसी ही फ्राई होता, इसको ही अच्छा मीडियम आंच पे इसको ऐसा पका लेंगे अपन। एक फ्राई पैन में मैं तेल डाल के रखी, एक स्टैंड रख ले के ऐसा बना रही हूँ मैं। आप दोनों में से जो भी चाहे आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़ा लेंगे अपन, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, कितना अच्छा पक गया। देखिए मीडियम आंच पे रखें अपन इसको, ऐसे ही रखेंगे। थोड़ा सा का तेल लगा लेंगे अपन ब्रश की मदद से। मीडियम आंच पे बनाएंगे इसको, देख सकते हैं क्या माशाल्लाह से ज़बरदस्त अपना तंदूरी चिकन बन के रेडी हो रहा हूँ। कितना अच्छा बना देखिए, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। ऐसे ही चाहिए अपने को, मीडियम आंच पे रखी मैं, ज़्यादा इसका तेज़ नहीं करी इसका आंच, मीडियम आंच पे रखी। बाहर अपने को जैसा बाजार जैसा घर पर ही रेडी कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आजकल हर चीज़ आसान हो चुका है, बहुत इजी रेसिपी है ये, बच्चों को ये बहुत पसंद है। ये घर में आप गेस्ट आए तो भी ज़रूर ट्राई करिए आप ये रेसिपी को, बहुत आसान है। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा चिकन रेडी हो जाता। अच्छी तरह से पकना ये अंदर तक, ताकि चिकन कच्चा नहीं रहना अंदर ज़रा भी। देख सकते हैं अपना फ्राई पैन में भी कितना अच्छा बन के रेडी हो रहा चिकन, देखिए तो अच्छी तरह से। और थोड़ा सा के तेल में मैं इसको अच्छा पका रही हूँ, देखिए आप अच्छा अंदर तक पकना है। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा अपना चिकन, इसको मैं फ्राई करके बता रही हूँ। एक चिकन के पीस को आपको आँच पर पका के बता रही हूँ, एक चिकन को तंदूरी चिकन के जैसा। और ज़रूर ट्राई करिए, दोनों भी रेसिपी आसान है, बहुत इजी है ये। चलिए देख सकते हैं, इसको एक बार फिर से पलटा लेंगे अपन, पलटा के पका लेंगे। ज़रा अपने को टाइम ज़्यादा लगता है ये चिकन को, मगर बहुत अच्छा बन के रेडी होता बाहर बाजार। चलिए अपना चिकन बन के रेडी हो गया दोनों भी। चलिए दोनों भी चिकन बन के रेडी हो गया अपना। अब इसको अच्छी तरह से अपन एक कोयला सिलका ली थी मैं पहले से, अब इसका धुआं दे देंगे अपन, उसका सर्व करके बताऊंगी मैं। थोड़ा सा का तेल लाइट कर दे रही मैं इसमें, इस पर प्लेट ढक देंगे अपन। चलिए सर्विंग प्लेट रख ली मैं, अब भी शॉर्ट करके बताऊंगी मैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं कितना अच्छा अपना तंदूरी चिकन बन के रेडी हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओफो, ऐसे ही चाहिए अपने को। मैं ये चटनी पहले से बना के रख ली थी, ये चटनी रख दे रही मैं, पुदीने की चटनी है इसके साथ सर्व करने के लिए। प्याज है, ये नींबू है, पत्ता गोभी है। भोजन खाई से खाते इसके साथ पत्ता गोभी, पुदीना ऐड कर दे रही हूँ। चलिए देख सकते हैं अपना तंदूरी चिकन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।
दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्ला खैर। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे रेसिपी लेके आऊँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।